viewers, please subscribe, like, and share our channel. Thank you. प्यारे बच्चों, ये कहानी है एक छोटी सी प्यारी सी लड़की जिसका नाम था लीली। एक दिन की बात है कि खूबसूरत गांव में, जो गहरे जंगल के करीब वाके था, वहां है एक प्यारी सी छोटी सी लड़की जिसका नाम लीली था, वो वहां पर रहा करती थी। लीली हमेशा जंगल से दिलचस्पी रखती थी। वो हमेशा से चाहती थी कि मैं इस जंगल के अंदर जाऊं और वहां जाके खेलूं, लेकिन कभी भी उसके अंदर जाने की हिम्मत ना हुई, क्योंकि गांव वालों की तरफ से बताई गई ऐसी बहुत सी कहानियां थी जिसकी वजह से वो डरती थी। एक दिन सुबह के वक्त जब लीली जंगल के करीब खेल रही थी, तो उसे एक पत्तों के नीचे छुपा हुआ एक नक्शा नजर आया। लीली ने उस नक्शे को उठाया और आहिस्ता आहिस्ता नक्शे को खोला, जिसमें एक रास्ता बताया गया था जो कि उस जादुई जंगल के अंदर लेके जाता था। गांव वालों की होशियारियों को नजरअंदाज करते हुए लीली ने फैसला किया कि वो जंगल के राज को खोलने के लिए एक सफर पे निकलेगी। उस छोटी सी बच्ची ने पीछे मुड़ते हुए रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। अपने दिल की धड़कन के साथ साथ जब वो जंगल की गहराइयों में सफर करती गई, तो उसने देखा कि दरख्त बुलंद होते गए और साया बहुत तारीक होता गया, मगर लीली ने अपना सफर जारी रखा। इस राज को समझने के लिए लीली उस जंगल के अंदर चलती गई। अचानक से उसे हल्की सी एक आवाज सुनाई दी, जिससे लीली बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई। थमी हुई सांसों के साथ लीली ने एक तरफ मुड़कर देखा, तो खुद को एक होशियार उल्लू के ग्रुप के सामने पाया। उस उल्लू के ग्रुप ने उस बच्ची की मदद करने की पेशकश की। उस उल्लू ने लीली से कहा कि हम मिलकर इस जंगल की खोज करते हैं। लीली और उसके नए दोस्त मजीद जंगल की तरफ बढ़ते गए। बहुत से राजों से पर्दा उठता गया, दूसरे जंगल के जानवरों से मुलाकात होती गई, मगर जैसे ही रात छा गई और जंगल को तारीकी ने घेर लिया, तो जंगल को एक धुंध ने लपेटा हुआ था। उस जंगल के दरमियान में एक बहुत ही पुराना दरख्त खड़ा था, जिसकी शाखें आसमान की तरफ पहुंच रही थी। जब लीली दरख्त के तरफ करीब पहुंची, तो उसने उसकी जड़ों के दरमियान एक छोटा सा पेचीदा तरह से नक्श बना हुआ दरवाजा देखा। कपकपाते हुए हाथों से लीली ने दरवाजे को खोला और अंदर चली गई। उसका दिल धड़क रहा था। जो चीज उसने अंदर पाई, वो उसके ज़हनो गुमान में भी नहीं थी। एक खुफिया कमरा था जिसमें बहुत सारी दौलतें थी, बहुत सारा सोना और अशरफियां थी। मगर जैसे ही लीली उस माल को छूने की कोशिश करती है, तो पीछे से एक बहुत ही गरजती हुई आवाज आती है। वो उस जंगल के निगहबान यानी के गार्ड की आवाज थी। उसने लीली को लालच के खतरात के बारे में होशियार किया और उसे दौलत को उसके दोबारा से उसी मुकाम पर रखने की तरगीब दी। और जब वो पीछे मुड़ी, तो उसने देखा कि एक बूढ़ा शख्स जो दौलत की हिफाजत कर रहा था, ताकि कोई भी उसे चुरा ना सके। लीली ने उस बूढ़े आदमी को गांव के लोगों के बारे में सुनी हुई कहानियों के बारे में बताया, लेकिन वो बूढ़ा शख्स इस दौलत की हिफाजत करने वाला था। इस तरह से लीली को जंगल की उस बनी बनाई कहानियों के बारे में पता चला, जो कि सच नहीं थी और काफी गांव वालों की तरफ से बनाई गई थी। इस तरह लीली और वो बूढ़ा शख्स दोनों दोस्त बन गए और लीली अपने गांव में वापस गई, जहां उसने सबको इस किस्से के बारे में बताया और दूसरे लोगों की गलतफहमियों को दूर किया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है बच्चों कि डर के आगे जीत है। हमेशा अपने डर पर काबू पाओ, तो जरूर कुछ ना कुछ तुम्हें मिल जाएगा। Hey viewers, please subscribe, like, and share our channel. Thank you.